मैनपुरी से बड़ी खबर, सदर विधानसभा के पोलिंग बूथ संख्या 373 पर फायरिंग। सपा प्रत्याशी की गाड़ी का बीजेपी समर्थक अरुण यादव ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने तोड़ा शीशा, मची भगदड़। मौके पर पहुंचे पुलिस ने अरुण सहित दो को किया गिरफ्तार। शांति व्यवस्था क्षेत्र अधिकारी कुरावली विजय पाल ने बताया, अब शांति व्यवस्था है, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। पूरा मामला थाना कुरावली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ मतदान चल रहा था, वोट पड़ रहे थे ना? अच्छा, यहाँ क्या बवाल हुआ था बेटा? ये अमन है, प्रधान ने दादी की ईंट मारी और गाड़ी फोड़ दी, राजू दादी। अच्छा, गाड़ी भी फोड़ दी। अच्छा, तो कितनी देर तक ये हंगामा चलता रहा बेटा? कुछ देर, उसके बाद फायर किए इन्होंने। किन? अमन ने, प्रधान ने? अच्छा, ये गुंडा किस्म के हैं क्या? बवाल होने की आशंका जताई गई थी लोगों का। सर, क्या पूरा मामला था यहाँ पर, क्या हुआ? मामला नहीं था, विधायक जी आए थे अपना देखने के लिए जी, तो कुछ दूसरे हैं वो आगे के समर्थक नहीं जाएंगे, तो वो अपने समर्थकों ने एतराज जताया जी, उसी में कुछ थोड़ा बहुत धक्का मुक्की समर्थकों में। नहीं, जानकारी भी ली गई, राजकुमार यादव को जो है ना धक्का मुक्का मार के मारपीट की है जमकर? नहीं, फिर वो चले गए अपने यहाँ से। बाकी वोटिंग चल रही है, लाइन लगी है बढ़िया से, और कोई बात नहीं है कुछ। सदर विधायक राजू यादव आए थे यहाँ? आए थे राजू यादव, आए थे अपने समर्थकों के साथ, दो तीन आदमी थे उनके साथ जी। क्या कोई दबाव बनाने का प्रयास किया था? कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, केवल आए थे वो और देखने के, जब बात हुई यहाँ बातें तो वो अपना लौट के चले गए। किसी को हिरासत में लिया गया क्या? कि दो आदमी को बैठाला गया है जी, सुरक्षा की दृष्टि से जी, वोटिंग शांतिपूर्वक हो। तस्पुरी खबर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। देवेंद्र, सदर विधानसभा के 373 बूथ संख्या पर जो फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा, कुरावली सदर विधानसभा और कुरावली क्षेत्र का ये मामला है, ग्राम रसीमन का जी, जहां पर फायरिंग की सूचना थी कि सपा प्रत्याशी और क्या नाम बसपा समर्थक, भाजपा समर्थकों के साथ कुछ नोकझोंक हुई है दोनों में जी। इसी सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, सीओ कुरावली मौके पर पहुंचे हैं, तो पूरे मामले को उन्होंने देखा है और बताया उन्होंने ये है कि फायरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ नोकझोंक हुई है दोनों के बीच में। लेकिन स्थानीय करीब 10-12 साल का बच्चा है, उसने जरूर ये बताया है कि पहले सदर विधायक की गाड़ी पे पत्थरबाजी की गई है वहां के प्रधान अमन और अरुण के द्वारा जी, लेकिन फायरिंग बाद में हुई है, ये लोग जब चले गए उसके बाद फायरिंग हुई है, जिसकी सूचना पे पुलिस पहुंची है मौके। तो ये जो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अरुण सहित बताया गया है, दो और हैं, तो ये बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं? जी, बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि शांति व्यवस्था में बाधा डालने के जी उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी के बाद का क्या माहौल है? माहौल तो सही है, मौके पे शांति व्यवस्था बनाई हुई है और कई फोर्स और भी बढ़ा दिया गया है ताकि कोई अनहोनी या कोई भी अप्रिय वारदात ना हो सके। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना में कोई अनहोनी, कोई मारपीट का मुद्दा कोई सामने नहीं आया? जी जी जी, ऐसा ही है पूरा मामला। चलिए देवेंद्र, कोई अगली खबर पर हम फिर से आपके साथ होंगे।